इस कहानी के शुरू में एक काफी बड़ा सा ऑक्शन हो रहा था और उसमें नीलामी हो रही थी एक समुद्र के किनारे की। ये औरत जिसका नाम है रोलन वो उसे लेना चाहती थी पर उसे उसका बजट अलाउ नहीं करता और फाइनली उसे लियू लेता है। लियू काफी ज्यादा अमीर था और रोलन उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी और शाम को लियू के घर पर पार्टी होती है। उसके सारे दोस्त और उसके जानने वाले वहाँ पर मौजूद थे। सब उसका मजाक उड़ा रहे थे कि वो इस किनारे का क्या करेगा, उसने इस काम पर इतने सारे पैसे क्यों लगाए। पर लियू सबको बताता है कि ऐसा करना उसका प्लान था। वो इससे काफी बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाहता है जो कि उसे काफी ज्यादा प्रॉफिट देगा। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। काफी लोगों को उसे जेलसी होती है और इसके बाद उसकी पार्टी होती है। लियू काफी आराम से एंजॉय कर रहा था कि तभी रोलन उसके पास आती है, उसे एक ऑफर देती है। वो कहती है हमें पार्टनर बनना चाहिए और वो उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। और तभी अचानक से वह शान आती है। वो काफी ज्यादा अजीब होती है और सिक्योरिटी उसे पकड़ लेती है। लियू उसके पास जाता है और शान उसे अपना नंबर देती है। उसे बताती है कि वो लियू से काफी प्यार करती है और वो चाहती है कि वो उसे कॉल करे। लियू कहता है ठीक है मैं कॉल करूंगा पर तुम्हें यहाँ से जाना होगा। इसके बाद शान वहाँ से जाती है। उसके रहने की जगह काफी दूर होती है और उसके घर से होकर एक खुफिया सा रास्ता था। उसे होकर नीचे की ओर जाती है। वही लियू एक मीटिंग में होता है। उसने अपना काम शुरू कर दिया था। उसे बताया जाता है कि समुद्र में उन्होंने ऐसे डिवाइस लगाए हैं जिससे कि मछलियाँ उसके पास नहीं आएंगी और उन्हें काम करने में काफी आसानी होगी। पर उन्हें काफी अजीब सी चीज पता चली थी। समुद्र के किनारे से काफी अजीब सी आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो मछलियां नहीं पर कोई और ही चीज है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि शान दरअसल एक जलपरी है और उसके साथ बाकी सब लोग भी होते हैं। वैसे ये लोग समुद्र में रहते थे पर वहाँ पर वो डिवाइस लगने की वजह से इन्हें वहाँ से यहाँ पर आना पड़ा और काफी टाइम से इस किनारे पर रह रहे थे और इन्हें लियू से बदला लेना था, इसलिए ये काम शान को सौंपा गया। इन सबकी एक लीडर होती है पर वो काफी ज्यादा बूढ़ी हो गई थी और इसी से फिलहाल के लिए इन सबका लीडर ही ऑक्टोपस था। वो शान से कहता है कि तुम्हें काम को काफी जल्दी से करना होगा और दूसरी तरफ ये साथ में होते हैं। इसी बीच रोलन उसे कहती है कि लियू की चॉइस काफी खराब है, उसका टेस्ट काफी खराब है, जैसे कि वो लड़की जो उससे कल मिलने आई थी। ये सुनकर लियू को काफी गुस्सा आता है और सिर्फ गुस्से में वो शान को कॉल करता है। वो उसे कहता है कि वो उसे लेने आ रहा है। ये सुनकर शान और उसके साथियों को काफी अच्छा लगता है, इसलिए ये सब जमीन की ओर जाते हैं और फाइनली शान रेडी हो जाती है। उसे लेने लियू की गाड़ी आई थी। इसके बाद वो लियू के ऑफिस में होती है। वो पानी में जहर डाल देती है पर इसी बीच उसकी चेकिंग होने लगती है पर लकीली वो बच जाती है। उसके बाद में काफी सारी चीजें होती हैं जो कि काफी ज्यादा अजीब होती हैं। इसी बीच वो गार्ड उस पानी को पी लेता है पर शान उसे बचा लेती है और साथ ही उसकी नजर लियू पर जाती है। वो उस पर हमला करना चाहती थी पर उसका हमला उसी पर भारी हो जाता है और काफी देर तक वो काफी सारी मेहनत करती है पर उसका कोई फायदा नहीं होता। इसी बीच लियू उस पर गलती से हमला करता है। इसके बाद ये साथ में बैठे होते हैं। शान उसे कहती है कि उसे उसके साथ टाइम बिताना है पर लियू उसे पैसे देता है। शान कहती है कि उसे पैसे नहीं चाहिए पर लियू उसे जाने के लिए कहता है और वो खुद भी वहाँ से जा रहा था। पर तभी वहाँ रोलन आती है और उसे जलाने के लिए वो शान को अपने साथ ले जाता है। वो शान को फिर से पैसे देता है पर शान उसे मना करती है और उसे साथ में लंच करने के लिए कहती है। लियू उसे एक जगह पर ड्रॉप कर देता है और खुद वहाँ से चला जाता है। शान उसका इंतजार करती है पर लियू उसके पास वापस आ जाता है। इसके बाद ये साथ में काफी सारा खाना खाते हैं। लियू को ये सब काफी पसंद आता है। उसे बताता है कि काफी समय पहले वो काफी गरीब था। उसे रियलाइज होता है कि वो इतना रिच हो जाएगा कि वो दुनिया की किसी भी चीज को ले सकता है और उसने ऐसा करके दिखाया। शान उसे कहती है कि पैसा इम्पोर्टेंट नहीं होता, उसे ज्यादा जरूरी है प्यार और खुशी। लियू उसे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे एक चेक देता है पर शान उसके चेक को जला देती है। ये देखकर लियू उसके पास वापस आता है। वो कहता है तुम्हें क्या चाहिए आखिर। तो शान उसे बताती है कि उसे पैसे से कोई मतलब नहीं है, वो तो बस उसे पसंद करती है और वो उसके साथ टाइम गुजारना चाहती थी। ये दोनों काफी ज्यादा मजे करते हैं। काफी टाइम बाद लियू को भी काफी मजा आया था। उसे रियलाइज होता है कि वो शान के साथ ठीक वैसे रह सकता है जैसे वो असली में है। उसे वापस घर छोड़ने जाता है और तभी शान को ऑक्टोपस का कॉल आता है। ऑक्टोपस उसे कहता है कि लियू को घर तक लेकर आए ताकि वो उस पर हमला कर सके। शान उसे अपने साथ ले जा रही थी। इसी बीच लियू उसका हाथ पकड़ लेता है। लियू उसे बताता है कि उसे काफी मजा आया और वो उसे काफी पसंद करता है, उसे फिर से मिलना चाहता है। इसी बीच शान को रियलाइज होता है कि वो लियू को मरवा नहीं सकती, उसे वो पसंद है, इसलिए वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है क्योंकि उसे पता था कि अगर वो अंदर आया तो ऑक्टोपस उस पर हमला कर देगा। लियू के वहाँ से जाने के बाद शान उन्हें बताती है कि वो ये सब नहीं कर सकती, वो लियू से फिर से नहीं मिलना चाहती। ऑक्टोपस को उस पर काफी गुस्सा आता है। इसी बीच लियू का फिर से कॉल आता है, उसे फिर से मिलना चाहता था, इन दोनों को साथ में लंच करना था और तभी वह ऑक्टोपस आता है। वो लियू पर हमला करना चाहता था
पर तभी वह उसके बॉडीगार्ड्स आते हैं। इसलिए ऑक्टोपस को ऐसे दिखाना पड़ता है जैसे कि वह एक शेफ है और यहाँ गलती से उसी को पकाना शुरू करते हैं। उसे काफी ज्यादा तकलीफ होती है और इसीलिए उसे वहाँ से जाना पड़ता है। इसके बाद लियू शान से बातें करता है और वो उसे एक रिंग देता है। उसे बताता है कि वो उसे शादी करना चाहता है। ये सुनकर शान को काफी अजीब लगता है। उसे ऐसा करने से मना करती है, पर इन दोनों को रियलाइज होता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसी बीच वहाँ रोलन आती है। वो लियू से कहती है कि देखा, मैंने कहा था कि तुम्हारी चॉइस काफी खराब है। लियू उसे कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो, मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ। वहीं दूसरी तरफ ऑक्टोपस शान पर काफी गुस्सा होता है। शान उसे कहती है कि मुझे ये सब नहीं करना है। इसी बीच दरवाजे पर कोई आता है और वो होता है लियू। लियू को उन लोगों को देखकर काफी शॉक लगता है। वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है पर उसे पकड़ लिया जाता है। इसके बाद ऑक्टोपस उसे काफी कुछ सुनाता है। वो कहता है, जब से तुमने डिवाइस लगाया है तब से इतने सारे लोगों की मौत हुई है, न जाने कितनी जल परियां मर गई। ये सुनकर लियू को रियलाइज होता है कि उसने अच्छा नहीं किया। वो कहता है, मुझे मौका दो, मैं सब कुछ फिक्स कर सकता हूँ। पर ऑक्टोपस उसकी एक नहीं सुनता, उसे मारने की कोशिश करता है, पर तभी शान उसे बचा लेती है। वो लियू को वहाँ से जाने के लिए कहती है। लियू के जाने के बाद ऑक्टोपस उस पर काफी गुस्सा होता है। वो कहता है कि तुम्हें उससे प्यार हो गया है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। वह लियू सीधा पुलिस स्टेशन जाता है। वो उन्हें बताता है कि उसके साथ क्या हुआ, पर कोई उसका यकीन नहीं करता। ये दोनों उस पर हंसने लगते हैं और लियू का एक साथी उसे थेरेपिस्ट के पास जाने के लिए कहता है। उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे लोगों को समझाए ये सब उसके साथ एक्चुअल में हुआ है, और तभी वह रोलन आती है। इसके बाद ये दोनों साथ में होते हैं। इसी बीच लियू रिसर्च करता है। उसे रियलाइज होता है कि उसके डिवाइस से काफी नुकसान हो रहा है। उसे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो रोलन से कहता है कि उसे ये सब रोकना होगा और वो उसे अकेला छोड़कर सीधा सेंटर जाता है। उसे देखना था कि आखिर इस डिवाइस से होता क्या है और वो इस डिवाइस को अपने ऊपर यूज करता है। उसे रियलाइज होता है कि ये सब काफी गलत है, इसलिए वो एक मीटिंग रखता है और सबसे कहता है कि हमें इसे बंद करना होगा। सब उसे मना करते हैं पर रोलन उसे हाँ कर देती है, इसलिए उस डिवाइस को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद लियू रोलन को सब बताता है और रोलन उसका यकीन कर लेती है। इसके बाद वो सीधा एक साइंटिस्ट के पास जाती है। उसे बताती है कि लियू ने कंफर्म कर दिया है यहाँ पर मर्मेड्स रहती हैं, और तब जाकर लियू को रियलाइज होता है ये सारी रिसर्च दरअसल मर्मेड्स के लिए हो रही थी, और इसी वजह से रोलन उसकी पार्टनर बनी क्योंकि उन्हें मर्मेड्स को पकड़ना था। ये सुनकर लियू को काफी गुस्सा आता है, पर रोलन उसकी एक नहीं सुनती। वो कहती है, मैंने इस काम में काफी पैसे लगाए हैं और तुम्हारी वजह से मैं पीछे नहीं हटूंगी। इसके बाद ये सब लोग मिलकर उस किनारे की ओर जाते हैं और लियू भी काफी परेशान होता है। वो डिसाइड करता है कि उसे शान को बचाना होगा। वही किनारे पर ये सब लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और इनको वो सारी जलपरियाँ मिल जाती है। ये सब लोग उन पर हमला शुरू करते हैं। इसी बीच काफी सारी जलपरियाँ काफी ज्यादा जख्मी होती है, काफी सारी मर भी जाती है। इसी बीच शान को भी पकड़ लिया जाता है, पर वो जैसे तैसे वहाँ से बचने की कोशिश करती है और इसी बीच ऑक्टोपस उसकी मदद करता है, पर उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि शान को पकड़ लिया जाता है। सब लोग उसे मारने वाले थे कि तभी उनकी लीडर वहाँ आती है और वो काफी शक्तिशाली होती है। वो सारे इंसानों को उनका सबक सिखाती है। इसी बीच उस पर हमला होने वाला होता है, पर वो वहाँ से चली जाती है और समुद्र में जाते ही उसे रियलाइज होता है कि वहाँ पर वो डिवाइस नहीं लगा है, इसलिए सारी जलपरियाँ वहाँ से जाने लगती है। इसी बीच शान को पकड़ लिया जाता है। वो काफी ज्यादा जख्मी होती है और तभी वह रोलन आती है। वो शान पर हमला करती है और शान जमीन पर आ जाती है। इसी बीच एक इंसान उसकी तस्वीर लेता है। तभी वहाँ काफी सारे लोग आते हैं और रोलन उसे मारना चाहती थी, पर अचानक से वहाँ लियू आता है। वो कहता है, इसे कोई कुछ नहीं करेगा, इसलिए कोई उसे कुछ नहीं करता। ये देखकर रोलन को काफी गुस्सा आता है और वो उस पर हमला शुरू करती है। लियू शान को लेकर समुद्र में जा रहा था और रोलन उस पर हमला कर रही थी। लियू शान को बताता है कि वो उससे प्यार करता है और वो उसे बचाएगा, बेशक उसे अपनी जान क्यों न देनी पड़े, और देखते ही देखते वो उसे पानी में डाल देता है। इसी बीच वहाँ पुलिस आती है और रोलन को पकड़ लिया जाता है। इसके 3 साल बाद हम देखते हैं कि लियू अभी भी जिंदा है और वो अब एक शान से घर में रहता है। वो अब रिटायर हो चुका था। इसी बीच एक स्टूडेंट उसे मिलने आता है। उसे पूछता है कि आखिर 3 साल पहले क्या हुआ था, पर लियू उसे कुछ नहीं बताता। वो कहता है, जलपरियाँ नकली होती है। वो उसे अपनी वाइफ से मिलवाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि शान उसकी वाइफ है। वो इंसानी रूप में उसके साथ रहती थी, और इस कहानी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि दोनों एक साथ काफी खुश होते हैं और ये दोनों एक दूसरे की दुनिया में काफी अच्छे से रहते थे। और इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ।